हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का टॉपिक हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड शॉर्ट लॉन्ग एंड वर्किंग मेमोरी के बारे में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी आई कैन से दैट अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, नहीं तो एवरी कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो कमिंग टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये क्या होती है? इट इज़ हियरिंग सेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेज, वी कैन से अमोंग आर फाइव सेंसेस, है ना। तो एक एबिलिटी होती है जो हम किसी जो व्यक्ति कोई बोल रहे हैं हम सुन पा रहे हैं, वी आर एबल टू हियर। वो ऑर्गन इसके लिए काम करता है। और अगर इफ आई एम अनएबल टू हियर इट, आप मुझे बोल सकते हो कि आप डेफ हो सावित्री, है ना। तो ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस, ये क्या होता है? इट्स अ फुल और पार्शियल डिक्रीज होती है व्यक्ति में द एबिलिटी टू डिटेक्ट और अंडरस्टैंड साउंड्स। तो कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है। बाय बर्थ आते हैं बच्चों में, कुछ लोगों को हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी का काम बहुत कम है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट, इट्स वेरी लेस। एक ऐसा होता है, मेनी फैक्टर्स होता है, जेनेटिक्स के वजह हो सकता है, एज के वजह से। जनरली ओल्ड एज में आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ज़्यादा नॉइस को एक्सपोजर होते हैं ना, ये एरियाज जहाँ माइनिंग का जगह होता है, वैसे जगह वेर लॉट्स ऑफ साउंड्स एंड ऑल ना इफेक्ट हो जाते हैं। तो इलनेस, केमिकल्स, फिजिकल ट्रॉमा, इन सब के वजह से देर इज़ अ हाई चांस ऑफ a person being hearing impaired. उसमें hearing impaired में दो तरह के होते हैं। एक होता है जहाँ हमारे inner ear और auditory nerve जो कुछ होता है वो damage होता है, ये permanent हो जाती है अगर ऐसा है किसी व्यक्ति में। The other kind होता है जहाँ वो जो sound waves होते हैं वो inner ear को नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके ears में वो wax build हो जाता है, fluid, उनका पंक्चर्ड ईयर ड्रम होता है, तब व्यक्ति में हियरिंग लॉस भी हो सकती है। जनरली एज के हिसाब से ये ज़्यादा देख सकते हैं हम। सो टू पर्सन्स विद द सेम सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस विल एक्सपीरियंस इट क्वाइट डिफरेंटली इफ इट अकर्स अर्ली और लेट इन लाइफ। व्यक्तियों में ऐसा है कि उनके हिसाब से, यानी हर दो व्यक्ति एक ही जैसे नहीं सुन सकते, बिकॉज द थिंग इज इसमें अलग हो सकता है इन हियरिंग इम्पेयरमेंट इनका, किसी और का कुछ और अल्ट हो सकता है। अगर अडल्ट का देखोगे, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर लॉस, सिवियर प्रोफाउंड लॉस ऐसे बोलते हैं। प्रोफाउंड मीन्स एक्सट्रीम लॉस, उनका 90% से अबव लॉस है तो वी कॉल देम प्रोफाउंड, और ग्रेटर ऑलमोस्ट दे टोटली डेफ, उनका दोनों कान सुन नहीं पाते, यानी दोनों कान जो हर एक ईयर इज इंडिविजुअल दूसरे ईयर से, यानी दोनों में लिंकअप कुछ भी नहीं होता। शायद इस कान में इट कुड बी प्रोफाउंड लॉस, इस कान में थोड़ा मॉडरेट लॉस भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, वॉट एवर इज द बेस्ट हियरिंग एड लगा के आजकल, यू नो वी हैव गॉट लॉट ऑफ हियरिंग एड्स जो हेल्प करते हैं इनको। एंड आई वर्क विद स्कूल जहाँ यू नो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन फॉर 10 ईयर्स, ऐसे स्कूल में, तो मुझे बहुत डीप नॉलेज है इसके बारे में, अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट, वॉट काइंड ऑफ फीलिंग्स दे हैव, हाउ दे बिहेव, कैसे होता है ये सब। सो इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, जो लोग ज़्यादा फ़ोन में बात करते हैं, ज़्यादा फ़ोन को कान के पास, उनको भी हियरिंग लॉस है। इनफैक्ट फॉर मी व्हेन आई गॉट टेस्टेड, मुझे भी सम 15% हियरिंग लॉस है एक कान में, दूसरे कान में 25, एंड डॉक्टर टोल्ड मी इफ यू यूज मोर ऑफ योर फोन, जल्दी आपको हियरिंग एड यूज करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि वी हैव टू नो वेयर टू स्टॉप, जो कान अच्छे हैं उसको सेफ गार्ड कर लेना है। नाउ कमिंग टू मेमोरी, ये दीज टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन, क्योंकि हमारे जो दिमाग में मेमोरी होती है, हम नॉन वर्बल क्लूज होते हैं वर्बल, वर्बल यानी समथिंग दैट इज कैन बी कम्युनिकेट, नॉन वर्बल इज ऑल साइंस, हमारे बॉडी एक्सप्रेशन, ये सब आपके नॉन वर्बल में आते हैं। तो इफ देर आर डेफिसिट्स इन एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मेमोरी, द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज टास्क कैन बी इम्पेयर्ड। तो मेमोरी का भी इम्पेयरमेंट होती है, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर उसको हम ज्यादा
सही नहीं देखेंगे, दे आर डिफिसिट, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो हाउ यू रिसीव, हाउ यू स्टोर, इनमें भी दिक्कत होती है. तो इट इफेक्ट स्टोरिंग एंड लेटर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन. तो मेमोरी में भी मेमोरी इम्पेयरमेंट है, तो ये पूरे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर करना, उसको प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है. थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी आर इम्पॉर्टेंट. क्या है वो? टू लर्निंग. अगर मुझे कुछ सीखना है, तीन तरह की वर्किंग मेमोरी चाहिए. वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. वर्किंग मेमोरी इज लाइक करंट मेमोरी, यू नो, शॉर्ट टर्म एक होगा, लॉन्ग टर्म. ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी को हमें यूज करना है इन द प्रोसेस. तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है? इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू होल्ड ऑन द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अंटिल द पीसेस ब्लेंड इन टू फुल थॉट ऑफ कॉन्सेप्ट. इट्स लाइक द करंट मेमोरी. ओके, वर्किंग मेमोरी इज लाइक योर करंट स्टेटस, प्रेजेंट. वो तो वॉट एवर अर्लियर इन्फॉर्मेशन है, पुराने, उन सबको मिला के कॉम्बिनेशन से जो कुछ आपका पूरा थॉट प्रोसेस होता है, दैट बिकम्स योर. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग ईच वर्ड अंटिल द एंड ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल, अच्छा ये बेस्ट एग्जाम्पल है. इफ आई नाउ एट दिस मोमेंट आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में ये पढ़ते पढ़ते आखिरी तक पूरे पैराग्राफ जा रही हूँ, तो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग जो कुछ है, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ इट, देन इट्स माई वर्किंग मेमोरी इज एक्चुअली वर्किंग राइट, है ना? ऐसा. तो कमिंग टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ एक्टिव प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर, यानी कुछ दिन तक, कुछ समय तक ये काम करेगा. टेम्पररी अवेलेबल होती है, यानी एक दो दिन के लिए आई विल रिमेम्बर द नंबर ऑफ सम फ्लैट का नंबर, लेकिन 6 महीने या 1 साल के बाद अगर पूछोगे, मैं फ्लैट नंबर भूल जाऊंगी. सो इनिशियल वो फ्लैट नंबर अगर मेरे दोस्त का है, दैट आई थिंक दैट इज स्टोर इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी. अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इफ आई एम कम्प्लीटली थरो विद दैट, इट विल गेट स्टोर इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. अगर आप मुझे 10 साल के बाद भी पूछोगे, I'll be able to retrieve the information and give you. This is long-term memory. So how does it all work together? शायद आपका question यही होगा. कैसे? Combination है वो. One reads a sentence and holds on to it. Then the next and then the next. है ना? End of paragraph क्या होता है? पूरे paragraph का meaning in one sentence हम बता पाते. जो कुछ ये हो रहा है, ये working memory. अगर पूरा chapter पढ़ दिया और उसमें थोड़ा कुछ रिटेन कर पाएगा, दैट विल बी इन द शॉर्ट. वॉट एवर ही कम्प्लीटली इन डेप्थ अंडरस्टैंड, दैट विल स्टोर इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स. अगर इफ देर आर डेफिसिट्स इन एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मेमोरी, बच्चों में दिक्कत होती है एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन. जब कोई इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, तब वी कैन से दैट द चाइल्ड हैज गॉट अ मेमोरी डिसऑर्डर. With this, our disabilities का chapter खत्म हो गया, and now we'll move on to the NCF. उससे साथ पूरा portion खत्म, and all you need to do is refer to psychologist and theories बारे playlist, ताकि पूरे के पूरे the whole syllabus is complete with आपके 120 videos ऐसा कुछ होंगे. तो with that your complete CDP portion is done, and you can just go with thorough practice. और ये जो सर्टिफिकेट है, आपको ऐसे 30 मॉक टेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर जैसा आता है वैसे हमने डाल दिया. यू कैन चेक देम फॉर अ फ्री सर्टिफिकेशन ऑल्सो. प्लीज चेक द लिंक्स बिलो टू परचेज दिस बुक राइट नाउ. यू कैन बाय इट नाउ. ई कॉपी इज अवेलेबल, हार्ड कॉपी भी. लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर से शुरू होगा पता नहीं, आई डोंट नो, बट द मोमेंट इट इज अवेलेबल, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू परचेज इट, बिकॉज ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके हर क्वेरी ऑन CDP का. Everything has been covered with lot of interest और research के साथ हमने किया है book. It will be worth it, worth your money. Thank you. Good day. Bye bye.